पार्टी करेंगे, चाय पियेंगे, मौज काटेंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, चद्दर तान के सो जाएंगे, इसकी ऐसी तैसी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह ब्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग, सबसे पहले ये बताइएगा। दूसरी चीज, मैं आ चुका हूं वीरेंद्र स्वरूप पार्क पे। कल तो अपना काम हुआ नहीं था, जैसा कि आपने देखा ही था यार वीडियो में। और कल तो मैंने यार वीडियो वो वाला बनाया था कि ओला ऐप को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यार फिर मैंने काम बिल्कुल नहीं किया था क्योंकि आया नहीं था, लोकल मैंने करी नहीं, फिर मैं घर चला गया यार, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं अभी आया। टाइम मैं बता दूं आपको, 10:05 हो चुके हैं, ठीक है। और मेरी राइड ना यार ऑन है अप्रोक्स 4:30 से, ठीक है। मेरे पास राइड एक आई भी थी लखनऊ की, लेकिन ना यार सो रहा था तो फिर वो नहीं मतलब उठ पाई, वो पास हो गई यार, है ना। तो इसकी वजह से यार वो तो नहीं उठ पाई और उसके बाद फिर मेरे पास कोई राइड आई नहीं है, ठीक है। और 10 तो बज ही चुके हैं यार। तो देखते हैं दोस्तों, क्योंकि कल भी अपन ने 11 डिवाइस को ऑन किया था और आज भी 10 बज चुके हैं। तो कल तो यार पूरा दिन चला गया, मतलब एक बार एक राइड आई वो कल वाली जिसमें कि उसका नाम नहीं सही था और फिर वो अपने आप कैंसिल हो गई बिकॉज वो फेक थी। तो आज भी 10 बज चुके हैं। अब आज भी देखना ये है कि शाम तक कैसा क्या रहेगा, काम आएगा कि नहीं आएगा, कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा, सारा कुछ पता चलेगा दोस्तों आपको। बस बने रहिए ऋषि सिंह ब्लॉग्स पे। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आना, तो चैनल को ना फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। करते हैं वेट और देखते हैं आज का काम अपना कैसा रहेगा, ठीक है। और बाकी आउट स्टेशन आ जाती है तो टू गुड, और नहीं आती है तो फिर बहुत ज्यादा बेकार है क्योंकि दो दिन कह रहे हैं। कल तो भाई अपना नुकसान हो गया और आज अगर फिर हो जाएगा तो 2 दिन अपने हो जाएंगे खराब, ठीक है दोस्तों। तो खराब नहीं करने, आज लखनऊ जाना है चाहे जैसे जाना है, ठीक है मेरे दोस्तों। करते हैं वेट बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, चलते हैं चाय पी के आते हैं, है ना। मैं आप लोगों को बता दूंगी, राइड अपने पास आ चुकी है लखनऊ की, वो भी प्राइम की। और मैंने बात भी करी है सर के पास, थोड़ा सा लगेज ज्यादा है तो मैंने सर को समझाया कि सर देखिए आप बुक करेंगे दोबारा से तो फिर भी यही सब गाड़ियां होंगी बिकॉज कैरियर कोई लगाता नहीं, बिकॉज उस पर चालान भी हो सकता है। सेकेंड CNG सब पे मिलेगी क्योंकि भाई डीजल का एवरेज जो है उतना सही नहीं होता है और महंगा तो है ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है उन्होंने खाया कि ठीक है भैया आप आइए और मैं देखता हूँ दूसरी गाड़ी भी एक कर लूंगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस राइड पे। अभी फिलहाल तो चल रहा हूँ मैं लोकेशन की तरफ, ठीक है। और पहुंच के फिर जैसा होता है ना मैं बताता हूँ कि ये राइड कंप्लीट हो पाएगी नहीं हो पाई। सेकेंड भाई अपने कानपुर का जो मौसम है वो इतना ज्यादा रंगीन मिजाज का हो चुका है, मतलब भाई बिल्कुल बारिश वाला मौसम है और एक आध बूंदे भी गिर चुकी ही है, ठीक है, और गिर रही है बराबर से। तो बस बारिश अभी ना हो यार मेरे निकलने के बाद हो, क्योंकि भाई फिर ना गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं चल के कैसा क्या होता है, राइड कंप्लीट होती है कि नहीं होती, और होती है तो कितना बिल आता है। वैसे ये राइड अमौसी एयरपोर्ट की है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों सीधा। अरबान कदरदान साहिबान, पेश है दोस्तों आपके सामने लखनऊ का बहुत ही स्वच्छ और सुंदर हवाई अड्डा अमौसी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। मेरे दोस्तों मैं बाहर निकल रहा हूँ बस यहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि बाहर तो मैं निकल आया हूँ और कस्टमर को भी मैंने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, CNG को फुल कराने, बिकॉज यार जो मैं कानपुर से चला ना इनको सर को लेकर के, तो मैंने रास्ते में यार डलाई नहीं थी, ठीक है। और रास्ते में डलाई नहीं तो गैस ना बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मतलब रिजर्व पे ही लगी है, कभी भी खत्म हो सकती है। तो दोस्तों पहले ना चलते हैं सीधा गैस को कराते हैं फुल। और बिल की बात करें अगर दोस्तों, तो बिल अभी मैंने खुद नहीं देखा है बिकॉज अभी अपडेट नहीं हुआ है, वो इस समय पता नहीं सर्वर इशू है थोड़ा सा, मतलब 10-15 में अपडेट होता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, तब तक गैस जलाते हैं, गैस जला के वहीं पर अपनी जगह पे खड़े होते हैं चल के, और खड़े होने के बाद फिर देखेंगे अपना जो है बिल, ऑपरेटर बिल कितना बना इस साइड का, ठीक है। और जितना भी बना होगा ना मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ ना वेट भी करते हैं कानपुर की राइड का, देखते हैं कितनी देर में आएगी, क्योंकि भाई समय हो रहा है 1:36, मतलब जब मैं रोज जल्दी आ रहा था तब भाई इतना ज्यादा टाइम हो रहा था और आज आया ही 1:30 हूँ, तो आज देखने लायक रहेगा भाई कि कितने बजे वापसी मिलती है, ठीक है। तो चलते हैं पहले गैस को फुल कराते हैं फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं पहुंच चुका हूं अपनी उसी लोकेशन पे जहां पे मैं खड़ा होता हूं और वेट करता हूं अपनी राइड का, ठीक है। तो अभी ना देख सकते हैं आप दोस्तों स्क्रीन पे जो अपनी राइड का बिल आया था ना वो आया था टोटल 1988 का। जी हाँ दोस्तों 1988, और साथ में ना जो ऑपरेटर मिला वो मिला दोस्तों 1326 का, प्लस 100 का डेली अलाउंस वो हो गया अपना 1426 का। मतलब ले देंगे ना भाई, ये राइड बहुत सही रही, मतलब कस्टमर भी ज्यादा लोग नहीं थे, बैग भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 2 बुक कर ली थी। और फिर भाई अपन ने लहराते बलघाते जो है पानी बरसते में हल्का फुल्का बरस रहा था, तो आ गए एयरपोर्ट भाई छोड़ दिया। और अभी ना गैस भी डलवा ली भाई 500 की फुल, मैंने इसलिए नहीं कराई ना भाई यहाँ पे 93 कुछ पैसे है, कानपुर में 92, 2 का फर्क भाई, सीधा सीधा 15 बच गए। उसी 15 का पता है क्या कर लिया, उसी 15 का भाई लिया चना ले लिया, सुकून से खाओ, मऊ जुड़ाओ, पैसा गिनते जाओ, ठीक है। तो दोस्तों करते हैं वेट, अभी
ठीक है हम तो जा रहे भाई भेलपूरी खाने, भेलपूरी खा के भाई अल्पेनलिपे की टॉफी तुम्हारे भाई के पास हमेशा पड़ी रहती है, तो ये खाऊंगा और उसके बाद जो है तब तक राइड आ जाएगी अगर, क्योंकि देखो तब तक आती कि नहीं आती, क्योंकि भाई ना मतलब 1:30 बजे तो ड्रॉप किया तो भाई कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है आप मान लो कम से कम, क्योंकि इससे पहले तो आ ही नहीं सकती है, और बाकी जितना समय लगेगा एग्जैक्ट ना वो मैं आपको कंफर्म बता ही दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं वेट अपने कानपुर की राइड का अब और खाते हैं अपना लिया चना, ठीक है दोस्तों। भाई 4 बजने वाला है, बजने क्या वाला है, बज ही गया है, और भाई मेरे पास कोई भी अभी राइड नहीं आई है, ठीक है, और 1:30 बजे मैंने ड्रॉप कर दिया था तो 1:30 से कितना हो गया, 2:30 और 4:30, लगभग 2.5 घंटे, ठीक है, और 2.5 घंटे से जो है मैं बैठा हुआ हूँ, मतलब गैस वैस भी डलाई थी, बट राइड अभी नहीं आई है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कितने बजे तक आएगी, या आएगी भी के नहीं आएगी, मतलब 1 भी नहीं बजी है, ठीक है, लेकिन ना बजे वो ठीक है, बट जो फेक वाला कॉन्सेप्ट होता है ना भाई वो ना हो, है ना, क्योंकि भाई फेक वाले में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ना बजे 8 बजे तक ना बजे, 9 बजे बजे, लेकिन ओरिजिनल बजे तो ज्यादा सही है, है ना, क्या कहते हो आप लोग, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, है ना दोस्तों। तो करते हैं वेट, देखते हैं जैसा होता है मैं बताऊंगा, समय समय पे आपको जो है अपडेट देता रहूंगा अपने, ठीक है। बाकी यहाँ पे गर्मी काफी हो रखी है, जैसे कानपुर में मौसम था ना बढ़िया सा बिल्कुल बरसात वाला, वैसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे काफी ज्यादा धूप निकली दिख रही होगी आपको, अभी तो छाया में हम खड़े हैं तो कहां से दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी लेकिन है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं पीछे खड़ी है अपनी धन्नो, और धन्नो तड़प रही है, बिल्कुल तरस रही है जाने के लिए अपने घर। यही नहीं अभी और सुनिए, लेकिन ओला उसके मंसूबों को कामयाब नहीं कर रहा है, ओला कह रहा है नहीं तू रुकेगी धन्नो के लिए, नहीं मैं जाऊंगी। क्या लगता है धन्नो घर जा पाएगी कि नहीं, और साथ में मैं भी, तो भाई राइड नहीं आई है ब्रो, और शाम का 6 बज रहा है, ठीक है, तो इस टाइम ना वेटिंग काफी ज्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर भाई अपन ना मतलब राइड यहाँ से आ जाती है और भाई रात का मतलब बच जाता है, बिकॉज 1500 के आसपास का तो ऑपरेटर है ही है ना, अगर मिनी की भी राइड आती है तो 1100-1100 का मिलेगा, मतलब हो जाएगा अपना 2500 के अराउंड का, ठीक है, तो गैस वैस हटा के अगर 2000 भी बचता है ना तो भाई क्या बुरा है, पूरा दिन बैठ जाए हम, तो कल रात में अगर 9 बजे भी आती ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैठने के लिए ना कोई इशू नहीं है भाई, देखो पैसा आना चाहिए, मैटर ये करता है ना कि वेट करना करता है, ठीक है, जब रात को 500-500 के 4 नोट दिखेंगे ना आंखों के सामने, तो जितनी वेटिंग होती है ना, वेटिंग करने में जितनी मतलब बॉडी थकती है, गर्मी लगती है, दुनिया भर की चीज़ें होती है ना, वो सारी खत्म हो जाएंगी 500 के खाली 4 नोट देख के, ठीक है दोस्तों। तो अपन को करना क्या है, अपन को करना है वेट, और बस जैसे ही राइड आएगी अपन चलेंगे कानपुर, और कानपुर चल के 500-500 के 4 नोट गिनेंगे और जेब में रखेंगे, और उसके बाद जो है मस्त पार्टी करेंगे, चाय पियेंगे, मौज काटेंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, चद्दर तान के सो जाएंगे, इसकी ऐसी तैसी। चलो ठीक है दोस्तों, गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा जुगाड़ करने के बाद जो है ये लाइट मेरे मुंह पे आ पाई है, ठीक है, और अभी समय हो रहा है 8:01, मेरी जान 8:06, ठीक है। और भाई राइड की अगर बात करें ना, तो मेरे पास अभी एक राइड आई है, वो भी जो टाइम है ना पिकअप का वो है 9:15 का, ठीक है। अब भाई कहीं ना कहीं देखिए राइड आई है, अभी तक कैंसिल नहीं हुई, 10 मिनट हो चुके हैं राइड को आए हुए, तो अच्छा भी लग रहा है, कहीं ना कहीं ये भी डर सता रहा है भाई मुझे, पता है क्या ये, कि भाई ऐसा ना हो कोई किसी ने फेक बुकिंग डाली हो, और फेक बुकिंग डालने के बाद उसने मेरी आईडी फंसा दी हो, और पता चला 9 बजे जो है राइड कैंसिल हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये भी हो सकता है और होता है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, अब ये तो भाई साहब 9:15 तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी कॉल करेंगे तो कॉल कस्टमर जो होंगे वो पिक भी नहीं कर पाएंगे, अगर ओरिजिनल बुकिंग हुई तो हो सकता है वो फ्लाइट में हो तो वो कॉल भी नहीं उठा सकते, बिकॉज लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो भाई दोनों चीजें इसमें, मतलब ये 50-50 मान सकते हैं इसको, कि ये कन्फर्म हो भी सकती है और नहीं भी, पता चलेगा कब, 9:15 पे जब कस्टमर फोन करेंगे तब, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अपने पास कोई सेकेंड ऑप्शन है नहीं, और उबर मेरे पास है नहीं यार, उबर नहीं होने से ना मुझे काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं यार, अब है ही नहीं तो मतलब बताया है मैंने आपको कि क्यों नहीं है मेरे पास, ठीक है। और अगर किसी को आप जो जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको नहीं पता, तो मैं बता दूं मेरी उबर की आईडी हैक हो गई थी ना, तो इसकी वजह से मेरे पास उबर नहीं है, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों वेट, बिकॉज सेकंड ऑप्शन जैसा कि मैंने बताया अपने पास है नहीं, और देखते हैं राइट कितनी देर, मतलब कितनी क्या राइट तो आई चुकी है, मतलब कस्टमर का फोन कितनी देर में आता है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इस लाइट को मैं बंद करता हूँ, बिकॉज ये आंखों में ना चुभ रही बहुत ज्यादा, वो तो मतलब मेरी शक्ल देखे जो आप रोज देखते हैं, इस वजह से ये लाइट ना आगे कर दी थी, ठीक है मेरी जान। तो करते हैं वेट फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं समय कितना हो रहा है, समय हो रहा है अभी 12:27
27 मिनट का और मैं अभी हूँ बंथरा में, ठीक है। जो भाई अपना लखनऊ कानपुर के होंगे उनको पता होगा कि बंथरा बिल्कुल लखनऊ से सटा हुआ ही है, मतलब मान लीजिए इसको क्रॉस करेंगे तो फिर लखनऊ क्रॉस, ठीक है। तो अभी 12:30 बजे और मैं यहीं पे हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, जल्दी जल्दी बताऊँगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। जो अपनी वो वाली राइड थी ना, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि भाई वो राइड में ऐसा भी हो सकता है कि लोग फंसा सकते हैं, ठीक है। और भाई मेरे साथ वही हुआ, मैंने 9:15 तक कॉल किया, कॉल नहीं उठी, 9:30 तक वेट किया, राइड कैंसिल नहीं करी, मैंने सोचा लाओ वेट ही कर लेते हैं भाई। 9:30 पे कॉल किया तो कॉल उठा और उन्होंने बोला कि भाई आधा घंटा लगेगा। वो कस्टमर थे या फेक बुकिंग वाले थे आई डोंट नो, ठीक है, जो भी वो भगवान मालिक है। और भाई 9:30 पे ना जैसे ही बात हुई, फिर 10 बजे तक वेट किया क्योंकि आधा घंटा उन्होंने बोला, तो 10 बजे भाई राइड कैंसिल, मतलब भाई साहब दिमाग खराब, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी बुकिंग आई, ठीक है, वो उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं भाई हम इतनी देर रुक नहीं पाएंगे क्योंकि आधा घंटा लगना था उनके लोकेशन पे जाने के लिए, तो भाई वो राइड कैंसिल करी, 118 रुपये कैंसिलेशन आया। उसके बाद फिर दूसरी राइड आई तो दूसरी राइड भी मुझे ओरिजिनल नहीं लगी तो वो कैंसिल करी, उसका भी 118 रुपये कैंसिलेशन आया, ठीक है। उसके बाद फिर एक राइड आई, वो अपने आप कैंसिल हुई, फिर एक राइड है, फिर वो अपने आप कैंसिल हुई, मतलब भाई ले देगा तुम्हारे भाई के साथ ना आज बवासीर हो गई भयंकर वाली, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, उम्मीद छोड़ चुके थे, ये लगा था कि भाई अब क्या करेंगे, अब खाली घर जाएंगे, इसी तहसीम जाए, भाई दिमाग हो चुका था बहुत ज्यादा बवंडर, ठीक है। हमने सोचा चलते ही है खाली, इसी तहसीम जाए, सवारी मिले और चाहे ना मिले, डिवाइस ऑन थी, ये सोच ही रहा था मैं कि फिर से एक राइड आई। अब भाई वो राइड मैं पिक करने गया, भाई तुरंत पिक कर लिया, जैसे ही मैं नहरिया चौराहे पे, मतलब वो आलमबाग से आई थी, आलमबाग क्या है वो नहरिया चौराहे से 500 मीटर आगे से आई थी, ठीक है। जैसे ही मैं नहरिया चौराहे पे आया तो उनके साथ एक और गाड़ी थी, वो गाड़ी भाई स्टार्ट नहीं हुई, उसकी बैटरी डेड हो गई थी। वापस से मोड़ के आए, 1 घंटा वहां पे लगा, तब जाके मैकेनिक मिला और मैकेनिक मिलके जो है फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर वहां से चले, तब जाके अब 12:30 पे जो है भाई यहाँ पे बंथरा में पहुंच पाया हूँ। और पहुंचने के बाद अब जो कस्टमर है ना, सामान वामान रखा हुआ है, जो कस्टमर है वो अपना खाना खाने गए हुए हैं, ठीक है। तो अब वो खाना खा के जैसे ही होंगे फिर उनको कल्याणपुर ड्रॉप करना, कल्याणपुर से फिर अपन भाई खाली घर आएंगे। अब भाई 12:30 बज चुका है, अभी देखते हैं खाना खाने में कितना समय लगेगा सेकंड, उसके बाद जो है फिर वहां से छोड़ने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जो भी कुछ होगा जितने बजे भी मैं छोड़ूंगा आपको डिटेल बताऊंगा, जो टोटल लास्ट अपना ऑपरेटर भी होगा ना वो बताऊंगा। कुल मिला के भाई आपके भाई के साथ ना बहुत ज्यादा घटनाएं घटित हो गई पिछले अभी दो तीन घंटे के अंदर, मतलब 10 से लेकर 12.5 घंटे के अंदर, ठीक है दोस्तों। फाइनली ये राइड अपनी है और लेके चलूंगा और जो है जब ड्रॉप कर दूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि फाइनली मैं आ चुका हूं कानपुर और समय भाई बहुत ज्यादा हो गया, मतलब के भाई 3:30 बज चुके हैं, ठीक है। अभी मैं घर नहीं पहुंचा, मतलब मैं जा ही रहा हूं जीटी रोड पे हूं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बिल की, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जो टोटल अपनी गाड़ी चली इस राइड पे वो चली 99 किलोमीटर, जो टोटल इस पे टाइम लगा वो लगा 3 घंटा 43 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए भाई, ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी वाड़ी का हो गया था। ऑपरेटर की बात करें तो 1184 रुपए का ऑपरेटर, 100 रुपए का डेली अलाउंस हो गया, 1284 और 30 रुपए का नाइट अलाउंस, तो मतलब 1300 क्रॉस मार गया ये वाला बिल। और अगर दोनों बिल की बात करें और प्लस जो कैंसिलेशन मिला वो टोटल हो गया अपना 2978 रुपए, मतलब के 3000 के आसपास की अपनी हुई अर्निंग आज की, ठीक है। जिसमें के भाई गैस कितने की लग गई, गैस लग गई भाई 700 रुपए की, लगभग लगती 600 की। लेकिन भाई जो ये लास्ट वाली राइड थी ना, इनको मैंने ड्रॉप किया कल्याणपुर पे, अब कल्याणपुर से मैं यार खाली जा रहा हूँ अपने घर, ठीक है, तो वो एडिशनल हो गया, इसकी वजह से भाई ना 100 रुपए की एक्स्ट्रा लग गई, मतलब 700 रुपए की लग गई। तो 3000 माइनस 700 करते हैं तो 2300 रुपए बच गया अपना आज का। समय तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, लेकिन कोई इशू नहीं है भाई, 2300 रुपए भी बच गया यार, है ना। अब मैं घर जाके क्या करूंगा, सो जाऊंगा भाई। एक मन तो ये भी कर रहा है कि खोलते हैं डिवाइस और फिर से लखनऊ जाते हैं, क्योंकि यार टाइम तो वही है ना, जो जिस समय मतलब हम डिवाइस ऑन कर देते हैं सुबह 4 बजे और 4 बजने वाला है, ठीक है। लेकिन नहीं भाई, सो जाऊंगा, बिकॉज ना सुबह से भाई खड़े खड़े वेट करते 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 ना दिमाग हो चुका है खराब, ठीक है। तो अभी ना चलते हैं सीधा घर और फिर करते हैं आराम और सो जाते हैं, सुबह देखते हैं कितने बजे नींद खुलेगी, जितने बजे खुलेगी उसके बाद अपन निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कल का काम कल पता चलेगा, बाकी व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहो, देखते रहे ऋषि सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।